हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हो। मांछा ने ये क्या करे? आपने ये क्यों छेड़ा था? मम्मा नीचे गई थी तो आपने क्यों छेड़ा था? अब पापा पिट्टी करेंगे आपकी, पिट्टी करेंगे आप आपकी। क्यों पिट्टी नहीं? मीनाक्षी ये बहुत गंदी बात है आपकी। गए थे मेरे को नीचे से बुला के लाया मम्मा। चलो चलो नील भाई शूज, क्योंकि आज हम लाए थे नील के न्यू शूज, वो दिखाने हैं इसने। ये देखो और ऊपर आके देखे, ये देखो, ये देखना मीनाक्ष ने क्या किया है। मीनाक्षी देखना क्या किया, ये देखो। ओ दिख रहा था तुम्हारा, ये कैसे कर दिया? कंदी बनना, करो इसकी पिट्टी, करो करो। इसमें कंचे कंचे, ऊपर चलो ऊपर चलो। देखो गाइस, नीर के पास आ चुकी है। नीर आया स्कूल से घर वापस, ये आ गया। ये मीनाक्षी दिखा रहा है नीर को न्यू न्यू क्रॉक्स। कैसे लगे? कैसे लगा? तीन रुपए के थे। ये देख आज इसने ये तोड़ दिया। क्या? कैसे? कैसे टूटा? ठीक क्या? प्रिया फोन आ रहा है। फोन। गाइस। फोन। गाइस आपको एक चीज भी बतानी है। कल मोहित के साथ हो चुका है प्रैंक, मतलब प्रैंक तो नहीं, उसका ना फोन घूम चुका है। पापा मिल गया नहीं अभी, अभी तक फोन नहीं ऑन किया उन्होंने। उसके पापा ने सिम बंद करवा के सिम दूसरा इशू करवा दिया, फोन नहीं मिला अभी तक। ओके, तो मतलब गाइस कल अभी मैंने उसे बुलाया था खेलने के लिए। हम तो अपनी कॉलोनी में दो तीन कॉलोनी में और टाउन पार्क भी गए थे। अब पता नहीं कहाँ पे गिरा है उसका फोन, अभी तक मिला नहीं। फिर अब मोहित कल उसने उसे पता ही नहीं, जब उसके पास फोन था उसके बाद हम पार्क गए, उसके पास फोन ही नहीं था, उसे पता भी नहीं था। उसे याद आया बाद में कि उस टाइम तो उसके पास फोन ही नहीं था। घर गया, घर पे देख रहा होगा, याद आया, घर जाके याद आया इसे। तो अब उसने बताया था उस टाइम, फिर मेरे को फोन किया उसने कि चल ढूंढने चलते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ हम ढूंढ के आए पर अब मिला नहीं अभी। ये देखो इसे, मैं ट्यूशन जाके आ गया हूँ स्कूल भी, और इसे देखो क्या करने लगा हुआ है। भारी इतना है, उससे ज्यादा भारी है वो। और गाइस मम्मा देख रही हैं यहाँ पे बिग बॉस। ढंगवाऊं, यू कैन डू इट, यस, ये क्या क्या हुआ? उई होगी आपके, उई क्या हुआ, कैची हुई? नो दार्गनी, नो कैसे कैसे हुई मम्मा? पार्क में गिर गया था, और भागो मियान मियान मियान। ये देखो चोट लगेगी ना फिर पता लगेगा। गाइस आजकल ना मैं अच्छे से व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, इसकी वजह मम्मा आप बताओ क्यों नहीं बना पा रहा हूँ? टाइम इशू, क्योंकि पापा आ चुके हैं। पापा कल फिर जाना है? अभी कुछ नहीं पता, सुबह तक पता लगेगा कि जाना है या नहीं जाना।
मीटिंग पक्की हो जाएगी तो जाना है। अगर मीटिंग पक्की हो जाती है, फाइनल अप हो जाती है, तो कल सुबह चलेंगे। अगर नहीं होती फिर परसों का पोस्टपोन करेंगे। मैं वैसे आपको पता कब तक चल जाएगा, उनका फोन आ जाएगा। हाँ देखो अभी आ जाए नहीं, खुद हम फोन कर नहीं सकते, सुबह तक देखते हैं पता लगेगा। गाइस को बता दिया जाए कि किसके साथ है मीटिंग? नहीं अभी नहीं, जब होएगी तो हम बता देंगे अपने आप कि किसके साथ है, तो अभी नहीं बताना। ओके कुछ सस्पेंस तो होना चाहिए गाइस आप लोगों के लिए भी। बाकी अभी तो यही है कि बिग बॉस देखो, आज देखो नए टास्क मिले हैं उनको, क्या करते क्या नहीं करते अभी टास्क पे। अब नीरज गोयट के बाद आपका फेवरेट अभी तक का, और सबके नेचर्स कैसे हैं? सारे ऐसे से ऐसा माइंड से खेलने वाले हैं। रणवीर थोड़ा सही लग रहा है अभी मेरे को, बाकी देखते हैं। विशाल भी सही है पर थोड़ा सा अग्रेसिव ज्यादा है, तो कई बार हरकतें कुछ ऐसे कर जाता है, पर मेरे को जहाँ तक लग रहा है विशाल और रणवीर काफी आगे तक जा सकते हैं, ये दोनों एक माइंडेड है। मेरे लिए लवप्रीत कटारिया भाई। लवप्रीत कटारिया का ये है कि वो ना थोड़ा सा परबोला टाइप सा है अच्छा, पर थोड़ा सा परबोला टाइप सा है। परबोला तो मतलब ना, ये विशाल और कटारिया को लेकर ना सपने एक इमेज बना रही है, और उस इमेज के चक्कर में ना वो लोग उसको निकालने के चक्कर में है, तो कहीं भी उसके ऑपोजिशन में अगर बाहर वाले की सीट किसी को मिल जाती है तो इन दोनों में से अगर कोई सिलेक्ट होता तो इन्हीं को निकालेंगे, क्योंकि ये दो दिन लोगों के ना बिल्कुल पॉइंटेड कर चुके हैं ये लोग, जैसे कि वो एक विशाल हो गया, कटारिया हो गया, सना मकबूल के नाम, सना मकबूल हो गई, साई केतन राव, साई केतन तो नहीं, अब बच गया पहले थोड़ा डिसेंट प्लेयर है वो अपने अपने में रहता है, मकबूल माइंडेड है। सना मकबूल जहाँ पे उसको लगेगा कि हाँ यहाँ से ये बंदा मेरे को बचा सकता है, या यहाँ पे मुझे इसके साथ रह के प्रॉफिट है या कुछ है, तो वो हाँ, एकदम से घूम जाती है। जो बिग बॉस देखता है उन्हें पता है। तो माइंडेड प्लेयर कौन ऐसा मकबूल है? ये सना मकबूल है, ये एकदम से पलटी मारती है, कभी इसकी कोई एक गैंग नहीं रही, कभी एक बंदा नहीं रहा जिससे इसकी फ्रेंडशिप हो, हर तीन से चार दिन इसका एक फ्रेंड रहता है, तब उसके बाद इसका फ्रेंड चेंज होता है, फिर इसका ग्रुप चेंज होता है। ये बड़ी माइंडेड प्लेयर है, बड़े अच्छे तरीके से ये अपना गेम चला रही है, जैसे कहते हैं ना एक माइंड प्लेयर। मेरे को लवप्रीत कटारिया इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो ना थोड़ी हंसी मजाक में रहता है, हंसी मजाक में रहता है, बस यही चीज ना कुछ लोगों को चुभती है। हाँ इनमें भी कुछ लोग वो चला तो जाए, बट ये है कि उधर थोड़ा भी सीरियस होना पड़े, पोजीशन में इतने लोग है ना कि अगर घर वाला बाहर वाला अगर कोई इनके ओपोजिशन का बन जाता है, जैसे अरमान मलिक, अरमान तो अब नहीं बन सकता मेरे ख्याल से, बट अगर कृतिका भी बन जाती है तो वो भी इनको निकाल लेगी अगर उनको ऑप्शन मिले तो, और उनको निकालने का प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है जो लोग लगता है कि हाँ ये लोग जा सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि चंद्रिका को इस टाइम निकलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आउट ऑफ द सिलेबस है, या फिर जो प्रेस रिपोर्टर है, ठीक है, वो तो ऐसे उनको भी मतलब वो क्यों है अंदर मेरे को नहीं पता कि किस वजह से है, बट ये है कि उनका कोई भी 1% भी अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है, कोई अपना वो नहीं करते, तो मेरे ख्याल से दीपक जी है चंद्रिका बहुत ओवर है, कैमरे के सामने कुछ हो रहा है, पीछे कुछ हो रहा है, और जो वो स्माइल फेस करके जो इम्प्रेशन देके जो आगे बात रखती है ना, वो अगर कोई बंदा नोटिसेबल है ना तो वो बड़े अच्छे से नोटिस करता है कि ये टोटली फेक है, टोटली फेक। और एक इसमें रैपर है बी से कुछ नाम है, बी लेजी, वो तो अपना लेजी रहता है, अपने में ही रहता है, वो अपने काम में फोकस है, उसको काम से मतलब है, जो उसको अपने अपने में रहता है, और जो उसको काम दिया जाता है वो अपना काम पूरा कम्प्लीट करता है। साई केतन का भी यही है, वो अपने काम से काम है, और जो उसको काम टास्क दिया जाता है, और इसमें एक जो अरमान मलिक है वो भी बहुत लड़ाई करा रहा है, अरमान ढूंढता है कि भी मुझे किसी से लड़ाई करने का मौका मिले, ठीक है, और वो जाके अपने आप को हाईलाइट करे, थोड़ा सा हाईलाइट में रहे, तो अरमान मलिक मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। पहले मुझे जब व्लॉग्स देखते थे तो थोड़ा सा डिसेंट सा प्लेयर लगता था,
पर अब मुझे बिग बॉस में जो इमेज आ रही है उसकी निकल के पता लग रहा है कि वो कहीं ना माइंड से गेम चला के अपने आप को हाईलाइट करके दिखा रहा है और कि वो ही है बस। हाँ, और जो अभी उसका कांड हुआ अभी स्लैप वाला, मेरे अकॉर्डिंग ये रूट ब्रेक था, तो रूट ब्रेक करने के बाद उसे वो नहीं किया गया, बाहर नहीं निकाला गया। मेरे अकॉर्डिंग उसको बाहर निकालना चाहिए था, बट उसको बाहर नहीं निकाला गया। और अगर बिग बॉस में अरमान को नहीं निकाला गया तो फिर कटारिया को सजा क्यों दी गई? ये तो इक्वल सजा दोनों को मिलनी चाहिए थी, बट ये पार्शियलिटी हुई है दोनों के साथ। बाकी तो क्या कह सकते हैं। तो गाइस इस लोग को यहीं पे एंड करते हैं। आज तो बस हमारे घर पे बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस ही चलता है, तो व्लॉग में भी हम बिग बॉस ही दिखाते हैं। तो इस लोग को बस बिग बॉस बोल के एंड करते हैं। बाय कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।